Hello friends, I am Poonam. Welcome to my channel Abhimonu Nature Lovers. So friends, आज का टॉपिक है टर्टल वाइन की केयर के ऊपर और इसे प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं, ये मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना प्लांट, ये कितना ही ब्यूटीफुल प्लांट है, ये देख सकते हैं आप इसकी खूबसूरती को। और फ्रेंड्स, ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप जब भी इन्हें लगाइए तो हैंगिंग बास्केट में लगाइए तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं फ्रेंड्स। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसे बहुत, जैसे कहते नहीं है कि बहुत बहुत प्लांट्स को होता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड होती है, बहुत ज़्यादा उसे खाद देखना पड़ता है, समय समय पे देना पड़ता है, बट ये ऐसा प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही इजी टू केयर है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। और इसे जब भी रखिए फ्रेंड, आप इसे इंडोर रखिए और हैंगिंग बास्केट में लगा के रखिए, बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे हैंगिंग बास्केट में इसे लगा के रखा है, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये धीरे धीरे ग्रो करेगा और भी इसकी स्टेम जो देख रहे हैं आप, ये लगभग मुझे लगाए इसे हो गए हैं, आप कह सकते हैं 15 दिन हो गए हैं मुझे इसे लगाए। और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छे से हो रही है। और देख रहे हैं ये पूरा ऊपर से ये बास्केट पूरा फिल हो रहा है, देख रहे हैं कितने अच्छे से ये बास्केट को कवर कर रहा है ये प्लांट। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इस प्लांट को लगाइए तो हैंगिंग बास्केट में ही इसे लगाइए, तो ये बहुत ही निखर के आता है, क्योंकि ये जब भी ऐसे इसकी स्टेम लंबी लंबी होती जाती है तो वैसे ही ये पूरा ये प्लांटर ये कवर करता जाएगा और ये इसकी स्टेम और भी नीचे होती जाएंगी, जैसे कि देख रहे हैं इसको मैंने इसमें लगाया है। और देखिए इसकी स्टेम कितनी नीचे नीचे, पूरी नीचे तक आ गई है। और ये दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ता जाएगा फ्रेंड, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और इसे जब भी रखिए फ्रेंड, सेमी सेड एरिया में ही रखिए, तो बहुत ही अच्छे से ये प्लांट चलता है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रख देंगे तो इसके लीव्स जो हैं सूखने लगते हैं और अपने आप ही टूट के यहाँ से गिरने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान दीजिए कि जब भी आप इसे लगाइए, तो अगर आप हैंगिंग प्लांटर में लगाते हैं तो बहुत ही सो फार सो गुड है। और इसे सूर्य की रोशनी से दूर ही रखिए, इंडोर रखिए, छादार जैसे कि सेमी सेड एरिया में ही रखिए, तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करते हैं। और जैसे फ्रेंड, मैं बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, जैसे इसकी स्टेम लंबी होती जाती है, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे ये इसकी स्टेम लंबी होती जाएगी फ्रेंड्स, तो ये ऊपर से कुछ ऐसे सूखने लगते हैं ये प्लांट, देख रहे हैं, और इनकी स्टेम भी ऐसे सूखने लगती है। तो जैसे आप देखिए कि खूब ऐसे लंबे हो रहे हैं, तो इनकी समय समय पे आप प्रूनिंग कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए, तो ये ऐसे ही हरे भरे ऐसे बने रहते हैं, देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। पूरा देखिए, इसने पूरा प्लांटर कवर कर रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि इन्हें प्रोपोगेट कैसे किया जा सकता है। और बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंड इसे प्रोपोगेट करने का, बहुत ही आसानी से कोई बच्चा भी इसे प्रोपोगेट कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं फ्रेंड कि ये इसकी स्टेम लंबी लंबी हो गई है, तो अभी तो मुझे इसकी नीड भी है कटिंग करने की, तो इसको कटिंग भी मैं कर दूंगी और इसको इससे मेरी कटिंग से नए प्लांट भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जब भी फ्रेंड्स आपका ये प्लांट जो है, जब भी इसकी लेंथ थोड़ी सी
बड़ी हो जाए। और जब भी आप देखिए कि थोड़े थोड़े ये ऊपर से ऐसे सूखने लगे हैं, तो आप इनकी समय समय पे कटिंग और प्रूनिंग ऐसे करते रहेंगे तो ये प्लांट भी बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसे बने रहेंगे। और इनकी जो कटिंग जैसे कि ये निकली है कटिंग, तो इसको आप वेस्ट भी मत करिए, इससे आप दूसरा प्लांटर तैयार कर सकते हैं, इससे आप कई प्लांटर तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आप नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं या कहीं से भी आपको इसकी कोई कटिंग मिलती है और आप इससे कोई भी प्लांट तैयार करते हैं, तो उस एक प्लांटर से आप कई प्लांटर तैयार कर सकते हैं फ्रेंड। और मैंने इसे इसकी कटिंग के थ्रू बहुत सारे प्लांटर तैयार किए हैं और देख ही रहे हैं कि इधर है और भी बहुत सारे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी है, देख रहे हैं ये है ना, बस ये। और इसमें आपको अगर आप लीव्स भी नहीं निकालते हैं नीचे की, जैसे कि होता है ना बहुत सारे प्लांट्स में होता है कि नीचे की लीव्स निकाल दीजिए तब आप इसे लगाइए, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसे डायरेक्ट भी ऐसे सॉइल में ऐसे लगा देते हैं तो भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और किसी भी ख़राब से ख़राब प्लांटर में आप इसे लगा दीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही छोटा सा प्लांटर है ये जिसमें मैं इसे लगा रही हूँ। और बट ये देखिएगा कि ये बस 15 दिनों में ही इसको ये कवर करने लगेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला भी मैंने बस 15 दिन पहले ही लगाए थे। और देखिए धीरे धीरे ये कवर कर रहा है इसको, और ये धीरे धीरे बस एक महीने में ये देखिए ये पूरा इसको कवर कर लेगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है फ्रेंड्स। तो जो प्लांटर आप इसके लिए यूज़ करिए, अगर थोड़ा ख़राब भी प्लांटर यूज़ करेंगे कि बहुत सुंदर नहीं लग रहा है, तब भी उसकी खूबसूरती को ये प्लांट बढ़ा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बस ऐसे ही करना है, बहुत ही ईजी है। ऐसे ये लीजिए ऐसे करके और डायरेक्ट ऐसे बस लगा दीजिए, कुछ भी सोचना नहीं है। और देखिएगा ये बस 15 दिन में एकदम डेवलप कर जाते हैं और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आप इसकी कटिंग के थ्रू ऐसे ही अपने घर में कई प्लांटर तैयार कर सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही इजी होता है इसे ग्रो करना। बस थोड़ी थोड़ी मिट्टी को ऐसे ऊपर ऊपर दबा दीजिए। और दिख रहे हैं फ्रेंड्स अभी क्योंकि बारिश हो रही है और रेनी सीजन है ही जान ही रहे हैं, तो देखिए अभी इसकी मिट्टी गीली भी है। दिख रहे हैं फ्रेंड्स ये ऐसे ही लगा दीजिए इसे, बस अब इसमें थोड़ी सी वॉटरिंग कर दीजिए, बस ये रेडी है। और फ्रेंड्स बस इसमें दो बातों का ध्यान रखना है कि बस इसे डायरेक्ट सनलाइट के नीचे नहीं रखना है, और वॉटरिंग सिस्टम भी इसका ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर वॉटरिंग नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्लांट होता है बहुत ही इसको बहुत ही पानी की कम ज़रूरत होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। होप करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसकी कटिंग को प्रोपोगेट भी करेंगे जैसा मैंने बताया है। तो अगर पसंद आया हो मेरा ये तरीका तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मैं चलती हूँ। सो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।